राम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो सर अपना हो गया टाइम निकलने का, समय हो गया सुबह के तकरीबन 9:30, समय हो गया सुबह के 9:30 और मैं निकल रहा हूँ अपने हॉस्टल से। चेकआउट हो गया मेरा और अब जा रहे हैं हम पोखरा के लिए, काठमांडू के लिए। तो यहाँ से हमें पहुँचना है अभी पृथ्वी चौक, और पृथ्वी चौक से हम ट्राई करेंगे कि लिफ्ट मिल जाए जहाँ तक भी हो पाए। तो चलिए अब यहाँ से निकल के चलते हैं पृथ्वी चौक। ये है जी पृथ्वी चौक। मैं आया हूँ उधर से, मैं आया हूँ सामने से, और अभी इस तरफ जाना है। ये है काठमांडू का रास्ता। तो यहाँ तो अभी वो है बसेज वगैरह खड़ी है मेरे पीछे काफ़ी सारी, तो इनको क्रॉस करते हैं और इनके आगे जाके फिर वहाँ रुकेंगे, वहाँ देखते हैं कि लिफ्ट कितनी देर में मिलेगी। तो भाई पृथ्वी चौक से जैसे ही आप आगे निकलोगे ना काठमांडू की तरफ, तो यहाँ पीछे एक बस पार्क जैसी है, मतलब टेम्परेरी कुछ बनाया हुआ है उन्होंने, और वहाँ बहुत सारी बसेज वैन्स वगैरह खड़ी होती हैं। तो अगर आप आना चाहो तो काठमांडू, अगर यहाँ से आपको वैन या बस में जाना है तो बस भाई यही लेगी 550 NC नेपाली करेंसी, और वैन लेगी 660। तो आप उनसे भी जा सकते हो अगर जाना चाहो तो। मैं जा रहा हूँ भाई हाइक करके, अभी कोशिश करेंगे यहाँ से लिफ्ट मिल जाए, अगर नहीं मिलती है तो मेरे पीछे ही वो है बस पार्क, और वहाँ से वैन वगैरह बसेज वगैरह बहुत सारी चलती है, सारा दिन चलती रहेंगी वो। तो वापस आके मैं वहाँ से फिर ट्रैवल कर सकता हूँ, तो ज़्यादा यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। चलिए थोड़ा सा चलते हैं आगे। और ये जो है मेरे सामने ये पुल है, ये पुल क्रॉस करते हैं और वहाँ खड़े होंगे लिफ्ट के लिए। ये गेट आप देख रहे हैं भाई साहब, इस गेट का मतलब है कि ऑफिशियली मैं आ चुका हूँ पोखरा से बाहर, और ये है रास्ता इस तरफ काठमांडू का। तो यहाँ से अब ट्राई करते हैं कितना समय लगेगा, और मेरे को ऑलमोस्ट 1.5 घंटा तो हो गया है कि 1.5 घंटे से मैं पैदल चल रहा हूँ। कल तो भाई साहब मुझे इनकी सिर्फ पीक सी दिखाई दे रही थी, चलो कम से कम दिखे तो। मौसम साफ है आज, 2 दिन से तो मौसम एकदम अंधा हुआ पड़ा था भाई साहब, इतने बादल धुंध वगैरह थी यहाँ पे ऊपर पहाड़ों में, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था वहाँ। मैं कल गया भी था तो मुझे सिर्फ पिक्स दिखाई थी, ज़्यादा कुछ वहाँ देखने को मिला नहीं। तो ठीक है, मेरा मन को ये तसल्ली है कि हाँ एक्चुअली मैंने उनको देखा कि यहाँ से मुझे दिखाई दे रही है वो पहाड़, और बहुत सुंदर है भाई सच में। तो भाई साहब मैं आ गया हूँ तकरीबन 4 किलोमीटर आगे वहाँ से, और मेरे को एक छोटी सी लिफ्ट मिल गई थी 4 किलोमीटर की। तो अब देखते हैं यहाँ कितना टाइम लगेगा, कितनी देर में मिलेगी, चलिए ट्राई करते हैं। आ तो रही हैं गाड़ियाँ वगैरह, तो देखते हैं कितना समय लगेगा। अभी हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए यहाँ भी, 5-10 मिनट, ज़्यादा समय लगा तो नहीं है अभी तक, होपफुली वैसा ही आज भी होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ यार ये बसेज वगैरह बहुत ज़्यादा रुक रही है, मतलब एक बार जब आनी स्टार्ट होती है ना तो ये कंटिन्यू बैक टू बैक 9-10 बसेज आती हैं, फिर वैन आती हैं, और एक ये रोड भी थोड़ा सा, मतलब नाम का तो हाईवे है बट ये थोड़ा सा भीड़ा है। यहाँ अगर कोई गाड़ी रोकना चाहे तो रोक भी नहीं पाएगा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा आगे चला जाऊँ, और वहाँ अगर कोई खुला रोड होगा तो फिर वहाँ से देखते हैं, ट्राई करते हैं अगर लिफ्ट मिल जाएगी तो। चलिए चलते हैं। भाई साहब आज थोड़ा सा मेरे को टाइम लग रहा है यहाँ, पता नहीं क्यों, क्या तो हो सकता है मैंने स्पॉट गलत चूज़ किया है, प्रॉपरली बाहर नहीं आया हूँ मैं शहर से। रीज़न तो पता नहीं क्या है बट आज थोड़ा सा टाइम लग रहा है मेरे को। अभी जैसे पीछे मैं यहाँ तक पोखरा तक आया था तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट होना पड़ा होगा, कहीं खड़ा होना पड़ा होगा, तो वैसे मुझे लिफ्ट मिल जाती थी। तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है भाई, पता नहीं समस्या क्या हो रही है। चलिए कोई नहीं, करते हैं इंतज़ार। तो जी पोखरा से मेरे को आज यूँ समझिए दिन की पहली लिफ्ट मिल गई है, जो थोड़ी सी ठीक ठाक दूरी की है, 25 किलोमीटर की है। भाई साहब मुझे छोड़ देंगे, नरेन नाम है इनका, और ये है जी नरेन जी, तो ये मुझे छोड़ देंगे अभी 25 किलोमीटर, और उसके बाद फिर देखते हैं आगे कैसे पहुंचेंगे। तो उम्मीद है कि आज शाम तक काठमांडू पहुंच जाऊंगा मैं ऐसे ही धीरे धीरे चलते चलते। तो चलिए अभी 25 किलोमीटर के सफर का मजा लेते हैं।
भाई साहब मेरी हालत आप लोगों को दिख रही होगी, फिलहाल मेरे सर में धूल मिट्टी वगैरह कितनी है। तो रास्ते थोड़े से बीच बीच में कहीं कहीं ऐसा आ जाता है जहाँ टूटा फूटा है और बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है। तो नरेन भाई का और मेरा तो सफ़र हो गया यहाँ ख़त्म। अब मैं जाऊँगा आगे और इनको जाना है यहाँ पीछे। तो ये है जी मिस्टर नरेन, ये नरेन भाई। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मेरे को यहाँ छोड़ दिया। ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर के आसपास इन्होंने छोड़ दिया मुझे। तो अब ये जा रहे हैं लेफ्ट साइड में और मैं निकल रहा हूँ अपने सीधा काठमांडू की तरफ। तो भाई आज की सेकंड लिफ्ट मिल गई है मेरे को और ये लिफ्ट दी है सुजन भाई ने, सुजन का नाम है। और ये है भाई साहब, और ये मेरे को ऑलमोस्ट छोड़ देंगे तकरीबन 8-10 किलोमीटर। उसके बाद फिर मैं अपने आप से देखते हैं कहाँ तक पहुंचेंगे, कितना टाइम लगेगा काठमांडू तक, धीरे धीरे करके पहुंच जाएंगे ऐसे ही। भाई साहब चलते चलते रुके हैं एक जगह चाय पीने और अभी मैं हूँ रोशन भाई के साथ। ये है मिस्टर रोशन। हेलो। तो इन्होंने मुझे लिफ्ट दी है ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर समझिए आप, 40 किलोमीटर के आसपास ये छोड़ देंगे। तो अभी रुके हैं कुछ रिफ्रेशमेंट लेने के लिए और मैं पी रहा हूँ चाय। और हाँ मैं अपनी तो क्या शक्ल दिखाऊँ आप यार, देखो मतलब भाई एक बात है, अगर आप पोखरा से काठमांडू जा रहे हो या काठमांडू से पोखरा आ रहे हो तो भाई फ्लाइट मत लेना, बाय रोड ही आना। बेशक आपको 4-5 घंटे 6 घंटे लग जाएं, आपको रिग्रेट नहीं होगा कि आपने रोड का रूट लिया है यहाँ से। सच में बता रहा हूँ बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छा है देखने में। हाँ रोड थोड़ा सा है कहीं कहीं गड़बड़ में है, थोड़ी दिक्कत होगी आपको, पर आप अगर लेफ्ट राइट में देखोगे ना अपने तो सारी चीज़ें भूल जाओगे कि रोड ख़राब है। चलिए आप निकलते हैं यहाँ से काठमांडू 105 किलोमीटर। आधे रास्ते आ गए भाई साहब, बिल्कुल बीच में आ गए हैं। आधा ही उस तरफ पोखरा है और इतना ही उस तरफ काठमांडू है। तो जहाँ इतना पहुँचे काठमांडू भी पहुँचेंगे। समय हो गया है 3:30, तो होपफुली 8 बजे तक भी मैं पहुंच जाऊं तो भी अच्छा ही होगा। वैसे कोई ख़ास बात नहीं है, कैपिटल सिटी है तो रात तक तो भाई रौनक रहेगी वहाँ काफ़ी लेट तक, इतना कोई ख़ास दिक्कत वाली बात नहीं है। पर फिर भी अगर टाइम से पहुंच जाए, टाइम से अपना हॉस्टल ले लूँ मैं, बेड पकड़ लूँ और आराम हो जाएगा थोड़ा सा, अच्छा खासा थोड़ा आराम के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं आ गया हूँ बाहर, रोशन भाई ने मेरे को उतार दिया था यहाँ मुगलिंग ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स, हाँ 40-45 किलोमीटर उन्होंने छोड़ दिया मेरे को। तो अब यहाँ से आगे चलते हैं सर काठमांडू के लिए। और मैं अभी शहर से मुगलिंग से तो बाहर निकला आया हूँ, अब यहाँ करते हैं ट्राई लिफ्ट के लिए। काठमांडू है 105 किलोमीटर, चलिए चलते हैं। तो जी यहाँ खड़े खड़े हो गया है तकरीबन 10 मिनट, अभी तक तो कोई गाड़ी रुकी नहीं है। तो देखते हैं, उम्मीद करते हैं आगे कितना टाइम लगेगा, देखते हैं जी। खड़े तो हम रहेंगे, अभी डेलाइट है। और यहाँ इस रोड की सबसे अच्छी बात यह है पोखरा से काठमांडू वाले रोड की, कि आपको बस और ये जो वैन है ये आप यहाँ से किसी भी टाइम ले सकते हो। हर 2 मिनट हर 3 मिनट के बाद एक बस या वैन आपको मिलती रहेगी। और तो यहाँ इस रोड पर कोई खास दिक्कत नहीं है, अगर अंधेरा भी थोड़ा बहुत हो जाता है तो फिर यहाँ से बस और वो वैन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली होती है
वो हम हायर कर ले सकते हैं वहाँ तक के लिए। और ये जो अच्छी बात है ना इस रोड की, भाई साहब हर 2-3 मिनट में आपको बस और वैन की सर्विस मिलती है, तो ये थोड़ी सी ही साइकिंग में परेशानी भी खड़ी करती है। तो इसकी दिक्कत ये है कि आपको वैन और बस जो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली है ये आती ही दिखती रहती है हर टाइम, तो इसलिए थोड़ी सी जब इतनी फ्रीक्वेंट सर्विस है तो लोग भी ये सोचते हैं कि भाई ये उससे चला जाएगा, क्यों लिफ्ट विफ्ट के चक्कर में पड़े, तो ये भी है थोड़ा सा, इसलिए भी साइकिंग के लिए थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। और वैसे भी अब बस सामने ही, बस और वैन सामने ही खड़ी दिखती है। अभी देखो यार वो देखो, वो पीछे 3 बसेस तो ये खड़ी है मेरे पीछे, वो 2 तो चल गया रही, 1 पीछे खड़ी है। अब बताओ इतनी फ्रीक्वेंट सर्विस है, अब ये निकलेंगी 1 मिनट के बाद फिर से इनके पीछे पीछे कोई और आ जाएगी, तो ऐसी जब सर्विस है तो भाई यहाँ लिफ्ट के थोड़े से चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है यहाँ खड़े रहने में। तो और कोई खास दिक्कत नहीं है, कोशिश हम कर सकते हैं जब इतनी फ्रीक्वेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सर्विस है तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी, तो हम थोड़ा सा लेट तक भी यहाँ चेकिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो भाई साहब यहाँ मेरे को थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और क्योंकि दिक्कत ये है कि एक तो मेरे पीछे एक मोड़ है और एक मेरे सामने भी एक मोड़ है, बहुत दूर से मैं गाड़ियों को देख नहीं पा रहा हूँ। तो इस हाइकिंग के लिए ये स्पॉट मतलब कोई बहुत ज़्यादा परफेक्ट तो नहीं है, मतलब एक बिलो एवरेज ये एक स्पॉट है, बट क्या करें यहाँ और कुछ था भी नहीं, पीछे जहाँ मैं खड़ा था इससे पहले वहाँ सामने ही बसेज रुक रही थी, तो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अड्डा था वो, तो वहाँ से तो वैसे भी कुछ नहीं मिल जाना था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आगे आ गया। और ये एक यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, अगर मैं ज़्यादा कुछ मेरे को दिक्कत हुई तो मैं यहाँ अपना सामान वगैरह रख के चाय वगैरह पी सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, अगर बहुत ज़्यादा टाइम मेरे को लग गया। शहर से इतना भी ज़्यादा दूर जाना ठीक नहीं है कि आपको वापस आने में भी परेशानी हो जाए, तो यहाँ से 2 मिनट की वॉक पे मुश्किल से, तो 4 मिनट की वॉक पे वापस शहर है, मैं वापस वहाँ भी जा सकता हूँ अगर मुझे बहुत ज़्यादा राहत दी। तो भाई है अमन भाई ने लिफ्ट दी थी मेरे को, नीचे खड़ी है प्रेशर 200 NSN के पास, तो इन्होंने लिफ्ट दी है मेरे को, और इस भाई ने लिफ्ट दी है मेरे को डायरेक्ट 105 किलोमीटर काठमांडू तक की। अभी जहाँ आपने लास्ट मेरे को देखा था खड़े हुए वहाँ से सीधा काठमांडू, और ये मेरे पीछे खड़ा है अमन भाई, ये अमन भाई है, ये है मेरा भाई अमन, तो इसने 105 किलोमीटर की लिफ्ट दी है भाई साहब, थैंक यू वेरी मच आपको। और अभी काठमांडू मेरे ख्याल से बचा हुआ होगा शायद 40-45 किलोमीटर और, तो होपफुली 40-50 मिनट या 1 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल राम राम, कैसे हैं आप सब, उम्मीद अच्छे ही होंगे। तो अच्छा मैं रात को आप लोगों को कुछ ज़्यादा दिखा नहीं पाया, मैं हॉस्टल पहुंच गया था तकरीबन 9 बजे के आसपास रात को, तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी भाई और बहुत ज़्यादा डस्टी है यहाँ के रोड, तो इसलिए मैंने कैमरा भी बाहर नहीं निकाला, और मैं सच में बहुत ज़्यादा थक भी गया था। तो एक जो लास्ट मेरी बाइक की राइड थी अमन भाई के साथ वो काफ़ी चैलेंजिंग थी, क्योंकि मेरे पीछे पीठ पे काफ़ी भारी बैग था और मुझे अपना वेट बैलेंस करने में काफ़ी दिक्कत होती, तो मेरे पैरों की हालत ख़राब हो रही थी, इसलिए मैं फटाफट बस हॉस्टल पहुंचना चाहता था और आराम करना चाहता था, मैं आते ही बस खाना खाया और खा के सो गया, मैं उसके बाद रिकॉर्ड भी नहीं किया। तो अभी ये है सर मॉर्निंग अगले दिन की, समय हो रहा है 10, बहुत अच्छी धूप निकली हुई है यहाँ पर, और
ब्रेकफास्ट हो गया। अच्छा था इनका ब्रेकफास्ट। ये हॉस्टल है थ्री मंकीज बैकपैकर्स हॉस्टल, और मैं अभी रूम भी दिखाऊंगा आपको। यहाँ की लोकेशन की अगर देखें तो जो मेरा बेड है, मेरे बेड की खिड़की से आपको अगर कर्टन हटाएंगे तो पीछे पहाड़ दिखता है। पहाड़ तो यहाँ वैसे चारों तरफ ही है, काठमांडू में भी पूरे पहाड़ ही पहाड़ है। तो ये हॉस्टल पड़ा है सर मुझे 295 NPR, मतलब 295 नेपाली रुपीज में, और इंडियन करेंसी में अगर देखें तो शायद 185-186 रुपये होते हैं पर नाइट इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, उसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है मेरा। और बहुत कंफर्टेबल है, इनके बेड भी, साफ सफाई भी अच्छी है, ब्लैंकेट भी दिया इन्होंने एक अच्छा खासा ब्लैंकेट है, क्योंकि ठंड एज कम्पेयर टू कोबरा मुझे तो ज़्यादा लगी यहाँ काठमांडू। तो मैं चलिए दिखाता हूँ आप लोगों को अपना हॉस्टल और बेड कैसा है मेरा। तो भाई साहब ये है हॉस्टल की बिल्डिंग। थैंक यू। ये है सर हॉस्टल हमारा। अभी तो इन्होंने सफाई कर दी, थोड़ा सूखने देते हैं। और यहाँ बाइक्स भी मिलती हैं आपको अगर चाहिए तो, माउंटेन बाइक, मतलब जिसको साइकिल बोलते हैं हम इंडिया में, वो भी मिलते हैं। तो सब चलिए अंदर चलते हैं। ये कॉमन एरिया है, आप लोग यहाँ बैठ के बातचीत कर सकते हैं। ये सामने किचन है, यहाँ पे इनका बार है, तो चलिए चलते हैं ऊपर। और ये है रूम, इसमें 6 बेड हैं। और ये सामने जो नीचे वाला है, ये मेरा बेड है। और इस बेड पे एक और हमारे इंडिया के ही हैं भाई, कोलकाता से हैं वो, तो वो रुके हुए हैं। तो ये है सर रूम। चलिए बाहर दिखाता हूँ मैं आपको बाहर क्या है। तो यहाँ से बाहर हम चलेंगे, ये डेक है इनका, मतलब जो छत पे ओपन एरिया होता है। ये चेयर्स लगी हुई हैं, ये एक हैमक लगाया हुआ है इन्होंने, यहाँ मैं सुबह लेटा था। और ये भी झूला चेयर है एक। ये है सर अरेंजमेंट। और ये है मेरा हॉस्टल। तो ये है जी हॉस्टल, और यहाँ मैं रुका हूँ आज, तो मैं कहीं नहीं जा रहा, कल मैं निकलूँगा और देखते हैं काठमांडू में क्या है घूमने फिरने को, कहाँ हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कितना टाइम लगेगा, तो सारी चीज़ें आपको कल बताऊँगा। तो आज है जी दीपावली की रात, और पूरा काठमांडू शहर जगमगा रहा है। वाह भी वाह, मजा आ गया देख के। पता नहीं मेरी तो शक्ल दिख रही है या नहीं, चलिए थोड़ा सा लाइट के पास आगे देखता हूँ मैं। तो हैप्पी दिवाली आप सबको भी, मिलते हैं कल सुबह।